हम जो है स्टडी कर रहे हैं, आज से स्टडी करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बिना जो है, मैंने पहले बताया था कि इसका कोई वजूद नहीं होता बेसिकली। ठीक है, यानी कि मैं अगर एक्सियल स्केलेटन ड्रा करूं तो ये खोपड़ी आ गई और ये आ गया वर्टिब्रल कॉलम, और इसी तरह जो है जो रिब्स वगैरह थी वो सारी की सारी इधर इस तरह से आ गई। ठीक है, अब इसके साथ जो पोर्शन अटैच होगा वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, यानी कि जो बेस थी वो है आपके पास एक्सियल स्केलेटन, और जो उसके साथ अटैचमेंट है उनको क्या कहेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो आपको मूवमेंट में मदद देगा। आपकी मूवमेंट जो है उसके अंदर, और आपको कोई काम करने में मदद देगा। जबकि जो एक्सियल स्केलेटन है वो आपकी बॉडी को रेगुलेशन को कंट्रोल करने में जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले है पेक्टोरल गर्डर। अच्छा, तो हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे थे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डर की। ठीक है, पेक्टोरल गर्डर जो है वो क्या होता है। अच्छा, तो पेक्टोरल गर्डर में क्या है कि आप पढ़ेंगे ऊपर वाले पोर्शन जिसके साथ आपकी फोर पेन, यानी कि आपके जो हाथ हैं जो जहाँ पे अटैच हैं जिस गर्डल के साथ, यानी कि अटैचमेंट देगा आपके फोर लिम को। ठीक है, आपके फोर लिम जो है वो पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच होंगे, और वो किसके साथ अटैच होंगे, आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेंट्रल कोराकोएड प्रोसेसेस। ठीक है, वेंट्रल कोराकोएड प्रोसेसेस। अब ये कहाँ पे मौजूद है, अगर आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि क्लेविकल जो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, क्लेविकल एक तो ये आ गई, और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं जो स्कैपुला है बैक साइड पे आपको डॉर्सली नजर आ रही है, बड़ी सारी जो हड्डी सी नजर आ रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ये वाला प्रोसेस जो नजर आया, प्रोसेस कहते हैं बायोलॉजी के अंदर, अगर आपको कहीं भी नजर आता है प्रोसेस लिखा होता है, तो प्रोसेस का मतलब होता है जी एक्सटेंशन। ठीक है, कोई कोई टिश्यू एक जगह से थोड़ा सा एक्सटेंड होके आगे की तरफ हो गया। मिसाल के तौर पर मैं इधर से बात करूं, अगर आपको ये घुटना सा नजर आता है इसको आप एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोराकोएड प्रोसेस होते हैं जो कि वेंट्रली जो स्कैपुला है जो कि डोर्सल साइड में मौजूद होती है, उसकी वेंट्रल साइड की तरफ जो है कोराकोएड प्रोसेस मौजूद होता है। ठीक है, और वो जो है स्टर्नम की तरफ, आपके स्टर्नम की तरफ जो है वो मेडियली मौजूद होता है, यानी कि आपके स्टर्नम जो है बिल्कुल उसके साथ ही साइड के ऊपर मौजूद होगा। ठीक है, स्कैपुला की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ जी एक्सटेंडेड डॉर्सली की आपकी बैक साइड के ऊपर मौजूद होती है। वेंट्रल और डोर्सल साइड का मैंने आपको बार बार बताया है कि वो कौन कौन सी होती है। वेंट्रल वो पोजीशन जब आप जमीन के ऊपर रेंगते हैं तो जो साइड आपकी जमीन की तरफ होती है वो तो वेंट्रल साइड होती है, और जो उसकी उलट होती है उसको क्या कहते हैं, डोर्सल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो स्कैपुला आपको पता भी होगा, आप इसे टच भी कर सकते हैं। आपकी बैक साइड पे जो बड़ी सी हड्डी होती है शोल्डर की, ठीक है, जब आप शोल्डर को मूव करवाते हैं तो वो मूव करती है, इसको कहते हैं स्कैपुला। और आखिर में जी क्लेविकल, जैसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, यहाँ पे जो मौजूद होती है आपके दोनों तरफ पैर में मौजूद होती है, तो ये कहाँ पे मौजूद है, स्कैपुला और स्टर्नम के दरमियान, यानी कि वेंट्रो डॉर्सली की बात करें। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाली, आपको ये वाला यहाँ पे जो नजर आ रही है ऊपर ही बोन, तो ये क्या है, क्लेविकल। मुझे तो खास अच्छे से पता है क्योंकि 2 महीने पहले मेरी टूट गई। ठीक है, तो ये क्या है कि क्लेविकल जो है आपकी बॉडी में जो है एक हसास रिंग बोन होती है, यानी कि इसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं एक्सीडेंट वगैरह के अंदर। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर 2 किस्म की बोन्स होती हैं, एक होती है कॉर्टिकल बोन और एक होती है ट्रेपकुलर बोन। ठीक है, तो कॉर्टिकल बोन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो वीक होती हैं एज कम्पेयर टू ट्रेपकुलर, या दोनों मिक्स हो रही है, लेकिन ये है कि 2 किस्म की बोन होती है, एक वीक होती है और दूसरी थोड़ी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन जो वीक है वो पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू दूसरी जो है उससे ज्यादा जो है पावरफुल नहीं होती। ठीक है, तो क्लेविकल जो है वो इतनी ज्यादा मजबूत हड्डी नहीं होती, इसलिए टूटने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ये आपके पास
पेक्टोरल गर्डल था, यानी कि इसके अंदर आपको कितनी हड्डियां मिल रही है, एक स्तर जो है मिल रही है आपको, कोराकॉइड मिल रही है, कैप्सुला मिल रही है, लेविटर मिल रही है, ठीक है, और जितने भी बाकी आपको अगर इसके अलावा नाम मिलते हैं इसके अंदर, जिस तरह ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक्रोमायन प्रोसेस जो है, तो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया कि एक्सटेंशन को कहते हैं, कि किसी भी हड्डी का थोड़ा सा पोर्शन बड़ा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। मेनली जो है वो तीन हड्डियां मिलेगी आपको, एक स्कैपुलर मिलेगी, क्लेविकल मिलेगी, और जो है वेंट्रल कोरकॉइड, एक वो एक वाजिया कोरकॉइड, एक वाजिया एक्सटेंशन मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर लेंथ। फोर लेंथ में यानी कि आपकी शोल्डर से लेकर आपकी उंगलियों तक जो हड्डियां आती हैं सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। सबसे पहले हिमरस, यानी कि आपकी ये वाली हड्डी, ठीक है, ये वाली हड्डी जो है के बाजू वाली हड्डी, तो क्या कहते हैं, हिमरस कहते हैं। इसके बाद आपकी कोहनी से लेकर आपके जो हाथ के जॉइंट है यहाँ तक एक रेनियस और अल्ना दो पेयर्स में मौजूद होती है, ठीक है, दो क्या है, पेयर्स के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, एक रेडियस और एक अल्ना। अच्छा आगे आगे है जी, आपके पाम के अंदर, आपकी हथेली के अंदर आठ जो है वो कार्पल्स आते हैं, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देखिए अंदर आपको नजर आ रही है, ये जो आपको ग्रीन कलर की इधर नीचे नजर आ रही है, अगर आपको देख रहा हो तो यहाँ पे आठ जो है कार्पस आ जाती हैं, फिर उसके आगे फाइव मेटा कार्पस आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप तो ये नजर आ रही हो ये वाली हड्डी, यानी कि एक तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, दूसरी ये एक दो, अगर तीसरी जो नजर आ रही है ये वाली बड़ी, ये मेटा कार्पस आ जाती है, यानी कि आपकी उंगली कैसा नहीं, आपकी उंगली जो है यानी कि अंगूठा जो है आपका सिर्फ दो हड्डियों पर मशहूर होता है, ठीक है, जिसे फ्रेंजस कहते हैं। तो आपकी जो पाम है यानी कि यहाँ पर पांच आपको मेटा कार्पस नजर आएंगी, जो कि यहाँ पर मौजूद है ग्रीन कलर के साथ मौजूद है, ठीक है, पांच आ गए। इसके बाद 14 फ्लेंजेस आती है, ठीक है, 14 फ्लेंजेस आती हैं जो कि आपको इधर नजर आ रही है, यानी कि आपकी जो उंगलियां बनाती हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लेंजेस कहते हैं। अच्छा, और आपकी पाँव आपकी जो जो फ्रेंजेस हैं आप देखेंगे, यानी कि आपकी हाथ की हड्डियाँ और आपके पाँव की हड्डियाँ, ये हाफ तकरीबन तकरीबन हाफ होती हैं आपकी टोटल बॉडी की, ठीक है, आपकी टोटल बॉडी की हड्डियाँ कितनी होती हैं, 206, ठीक है, और आपके दोनों पाँव के और दोनों हाथों की हड्डियाँ मिलाने तकरीबन जो है वो 106 बनती हैं, ठीक है, यानी कि आधी से ज़्यादा हड्डियाँ आपके हाथ और पाँव में मौजूद हैं। और आप ये बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि आपकी यानी कि हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा हड्डियाँ क्यों मौजूद हैं, ठीक है, कोई बता सकता है कि आपके हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा हड्डियाँ क्यों मौजूद हैं, इतने ज़्यादा जॉइंट्स क्यों मौजूद हैं। मैं बता देता हूँ जो मेरे जहन के अंदर चल रहा है, ठीक है, हो सकता है लोगों को पसंद भी ना आए। आप जिस चीज को पकड़ते हैं आपके हाथ की शक्ल उस जैसी हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें अभी मैं अगर इस पेन को पकड़ने लगा हूँ तो बस आपके हाथ में इतनी चेंजेस आई, लेकिन अगर आप जो है मैं अभी इस माउस को पकड़ने लगा हूँ तो ये देखिए मेरे हाथ की शक्ल इसकी तरह कन्वर्ट हो गई, यानी कि फॉर परफेक्ट ग्रैबिंग या फिर आप जैसे ग्रिप जिसे कहते हैं, परफेक्ट ग्रिप के लिए जो है आपके हाथ के अंदर ज्यादा जो है वो हड्डियां मौजूद है, ताकि आप मजबूती से चीजों को पकड़ें और वो आपके हाथ से छूटे नहीं, ठीक है। ये जो है आपके हाथों के अंदर हड्डियों की ज्यादा तादाद या जॉइंट्स की ज्यादा तादाद की वजह यही है कि ताकि आपके अंदर ग्रिप जो है, ग्रिपिंग पावर जो है वो ज्यादा आ जाए, ठीक है। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा कि वो बैट को कितनी मजबूती से पकड़ते हैं, अगर आपके हाथ में से जस्ट थंब को निकाल दिया जाए तो आपकी आधी गिफ्ट चली जाती है। नेक्स्ट वो करते हैं जी, पेल्विक गर्डल आ गया। पेल्विक गर्डल तो निचले पोर्शन में आपके साथ मौजूद होते हैं, तो कॉक्सल बोन है। कॉक्सल बोन मैं अपनी तस्वीर अटैच नहीं कर सका, रात को मैंने डाउनलोड की थी मिस्टेक, के कॉक्सल बोन जो है वो तकरीबन आपको इस तरह से मिलती है, ठीक है, जिन्हें कोयले की हड्डी कहते हैं, ठीक है, कोयले की हड्डी जैसे कहते हैं, इस तरह से तकरीबन जो है इस तरह से होती है, और यहाँ पे जो है वर्टिकल कॉलम आई होती है इस तरह, और यहाँ पे सेक्रम और कॉक्सिजियल बोन वगैरह जो है आपको मिलती है, तो दो टू कॉक्सल बोन मिलेंगी, और कॉक्सल बोन के अंदर जो है आपको फाइबरस जॉइंट मिलेंगे। फाइबरस जॉइंट के अंदर क्या मतलब है कि तीन बोन होंगी, इस्टियम, इलियम और प्यूबस, ये तीन हड्डियां हैं, तीन प्रोसेस कह लें, ठीक है, तो कि आपस में अटैच होते हैं थ्रू फाइबरस जॉइंट, ठीक
फाइब्रस जॉइंट जो है मूवेबल नहीं होते, जस्ट ऐसा कर लेंगे जैसे आप आपके हाँ मिट्टी के बर्तन टूटते हैं तो आप उनको जो है पता नहीं आप तो जोड़ते हैं कि नहीं, वो जो लोग होते हैं वो आटे के साथ उसको जोड़ते हैं, कभी आपने देखा हो पुराने लोग जो थे वो आटा बीच में लगा के उसको इस तरह से जोड़ देते थे, इस तरह बिल्कुल इस तरह से। तो ये हड्डियाँ भी इस तरह से जुड़ी होती हैं, तीन हड्डियाँ होती हैं इसके अंदर, एस्टियम इलियम और प्यूबस, जो कि मिलकर एक कोक्सल बोन बना रही होती है, और ये पेयर की फॉर्म में मौजूद है, इसलिए हमने क्या कहते हैं टू कोक्सल बोन जो है वो मौजूद होती है। अब इसके साथ आपका हाइंड लिम्ब जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। हाइंड लिम्ब के अंदर क्या आएगा, थाई, शैंक, एंकल और फोट, जिनको इनके अभी नाम नहीं पता तो वो क्या कर सकते हैं कि डिक्शनरी में देख सकते हैं, थाई आपकी जो हाँ आ गए, फिर शैंक पिंडली आ गई, एंकल घुटना और फुट पांव आ गए, ठीक है। अच्छा तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी मिलेगी जैसे फीमर, ठीक है। ये भी एक जनरल नॉलेज में भी पूछ सकते हैं कि आपकी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या, तो वो फीमर है, और साथ में आगे पैर में फिर आ जाती है जो आपकी पिंडली की हड्डी बनाती है टिबिया एंड फिब्यूला, ठीक है। ये जिस तरह रेडियस और अल्ना था इस तरह टिबिया और फिब्यूला जो है पैर में मौजूद होती है। और दूसरी एक इंफॉर्मेशन की बात कि आपकी जो आपकी बॉडी के अंदर, अच्छा आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है, एक बात इसको ध्यान के अंदर रखना है। दूसरी बात क्या है कि टिबिया फिब्यूला और फीमर, यानी कि जस्ट लेफ्ट को मैं वैसे ड्राइंग की कोशिश करता हूँ कि ये जो है फीमर है, ठीक है, ये फीमर है और आगे जो है टिबिया और फिब्यूला आगे की तरफ से जा रही है, जस्ट वैसे मैं इलस्ट्रेट करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो हड्डी आगे, अब ये जो जॉइंट बना रही है ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जॉइंट कहाँ मौजूद है तो आप कहेंगे नी जॉइंट, ठीक है। आपके जो घुटने का, घुटने कहते हैं ना, घुटने का जो जॉइंट होता है नी जॉइंट, ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट होता है, ठीक है। जो फीमर टिबिया और फिब्यूला जो जॉइंट बना रही होती है ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जो है वो जॉइंट होता है। नेक्स्ट जो है आपके एंकल के अंदर फाइव बोन्स आती है, ठीक है, जैसे आप टार्सल भी कह सकते हैं, एट टार्सल हैं, आगे जो है फाइव मेटाटार्सल हैं। नी जॉइंट, फिलहाल नी जॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नी जॉइंट आप के एन डबल ई, नाम सुना है नी, ये कनी नहीं होता, ठीक है, नी जॉइंट। अच्छा तो पांव के अंदर जो है आपको एट टार्सल, फाइव मेटाटार्सल, फिर आगे फाइव फ्रोस मिलेगी, 14 फ्लैंजेस की, ठीक है। इसी तरह जैसे आपके हाथों के अंदर है इसी तरह आपके पांव के अंदर भी जो है 14 फ्लैंजेस जो है वो मिलेगी, ठीक है। अच्छा आप अगर आप देखें, अच्छा क्वेश्चन ये है कि सलाह ने क्वेश्चन किया है कि आपकी हाथों के अंदर तो है बोन्स काफी ज्यादा, और इसका आंसर मैंने बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं है, ग्रिपिंग जो है उसके लिए होती है, लेकिन आपके पाँव तो ग्रिपिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, तब आपके पाँव के अंदर इतनी ज्यादा हड्डियां क्यों मौजूद, दैट इज अ वेरी कंसेप्चुअल आंसर, ठीक है। अच्छा ये फाइव रोज को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइव रोज से क्या मुराद है, ठीक है, फाइव रोज से क्या मुराद है। अच्छा पहला क्वेश्चन ये है लार का, ये आपके पाँव के अंदर इतनी हड्डियां क्यों मौजूद। देखिए मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप आंसर किस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाथों के अंदर ज्यादा हड्डियां मौजूद हैं लेकिन पाँव के अंदर भी हड्डियां मौजूद हैं। देखिए मैं आपको एक लॉजिकल आंसर दे रहा हूँ, आपके पाँव जो थे यानी कि इंसेस्टर के देखे तो उनके पाँव में अंगूठा मौजूद था, लेकिन आपका अंगूठा जो है आगे आगे यहाँ पर आ गया, क्योंकि अब आपने ग्रिपिंग जो है वो यूज करना छोड़ दी है, ठीक है। आपके अंदर जो चेंजेस आ रही है, आप बंदरों को देखें जाके जो आपकी सिस्टर स्पीशीज हैं उनका उनके जो देखें उनके ग्रिपिंग वैसी की वैसी ही आपके हाथों की तरह उनके पाँव भी हैं, ठीक है। तो आपकी सिस्टर स्पीशीज जो आपके साथ है वो हुई है, उन्होंने दरख्तों को नहीं छोड़ा, उनके पाँव आपके बिल्कुल आपके हाथों की तरह है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपके पाँव जो थे वो यूज होते थे फ्लेक्सीबिलिटी के लिए, लेकिन आपने क्या है कि जंगलों को छोड़ गए, घरों को छोड़ के टेक्निकल दुनिया में रहना शुरू कर दिया है, तो हुआ ये कि आपके हाथ जो है आपके पाँव जो थे वो बहुत ज्यादा जो है चेंज हो के जस्ट चलने के लिए रह गए हैं, ना ग्रिपिंग के लिए रह गए।
ठीक है, जबकि जो बंदरों वगैरह जो थे जिनके साथ आप रहते थे उनके पांव वैसे के वैसे हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, उन्होंने अपने अकल को यूज किया लेकिन इतना यूज नहीं किया जितना आपने यूज किया। ये एक आंसर बनता है कि आपके आपकी जो नहीं तो अगर आपके जन को कोई कोई और लॉजिकल आंसर बनता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे जरूर से बात करूंगा, लेकिन मेरे जन में सिर्फ यही आंसर बनता है। जॉइंट्स की बात करते हैं या आर्टिकुलेशन की, आर्टिकुलेशन या जॉइंट एक से वो पॉइंट जहाँ पे आपके दो हड्डियाँ जो है वो जुड़ती हैं, ठीक है, वो पॉइंट वो जॉइंट जहाँ पे आपके दो हड्डियाँ जुड़ती हैं उनको कहते हैं जॉइंट कहते हैं या आर्टिकुलेशन कहते हैं। ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं आप जो है वो मूवमेंट इनकी वजह से करते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन हो, हड्डियां मौजूद हो लेकिन जॉइंट्स मौजूद ना हो तो कोई फायदा नहीं है आपकी हड्डियों का, ठीक है, यानी कि आपको स्पोर्ट क्यों देंगे, खड़ा रखने से क्या आपको, यानी कि खड़ा जो खड़े तो पौधे भी होते हैं उनको क्या फायदा होता है। तो ये है कि जॉइंट्स जो है आपकी बॉडी को मोबिलिटी देते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जो है वो मदद देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, हम जो जॉइंट है उनको क्लासीफाई करते हैं किन बेस के ऊपर, ऑन द बेस ऑफ जॉइंट कैविटी, किन के अंदर जॉइंट कैविटी जो है मौजूद होती है। अच्छा फाइव रोज सॉरी वो रह गया, नाजुस ने क्वेश्चन किया था कि फाइव रोज से क्या बात है, मैं इधर मेरे मुझसे गलती हो गई कि मैं इधर तस्वीर नहीं लगा सका कि आपकी जो फ्लेंजेस हैं, ठीक है, 10 मिनट रह गया, थोड़ा मीटर में जो है मैं फिर से रिज्वाइन करूँगा। अब अगर हाथ को स्ट्रक्चर को देखें जिसमें देखिए फ्रेंजेस लगी हुई है, इसी तरह आपके पाँव के अंदर भी जो है फाइव रोज के अंदर, ये देखें रोज के बाद ये वाली फाइव रोज आ गई, आपके पाँव का स्ट्रक्चर तकरीबन इसी तरह से होता है, लेकिन ये क्योंकि ये जो है इसको भी आप एक्सटेंड करके आगे की तरफ ले आए, ठीक है। अच्छा तो ये देखें आपको फाइव रोज मिलेंगी, तो ये जो टार्टल हैं वो भी फाइव रोज के अंदर मौजूद होंगी आपके पाँव के अंदर, ठीक है। आपके पाँव की कितनी उंगलियाँ होती हैं, पांच होती हैं, तो इसी की बैकवर्ड जो है आगे इसके अंदर भी हड्डियाँ मौजूद होती हैं जिनको आप टार्सल कहते हैं, और मेटाटार्सल सॉरी मेटाटार्सल जो है वो फाइव फ्लोर्स के अंदर मौजूद होती हैं और आगे जाके फ्रेंजेस में डिवाइड हो जाती हैं, वहाँ भी 14 फ्लेंजेस मिलेंगी, ठीक है, फाइव फ्लोर्स के अंदर अरेंज होती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये वैसे रोज बना रहा हूँ और ये 5, ठीक है, आपका पाँव जो है इस तरह से आगे बन जाता है, आगे उंगलियाँ बन गए, ठीक है, और इंग्लिया के अंदर जो जॉइंट्स वगैरह आते हैं वहाँ पे छोटी छोटी हड्डियाँ आ गई जो कि 14 होती हैं नंबर में, और उसके पीछे जो आपका बैक जो पाँव की बैक बना रहा होता है, जो बेस बना रहा होता है वहाँ पे आपको मेटाटार्सल मिलती है 5, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा मूवेबल नहीं होती, सही है। अच्छा हम कौन सी बात कर रहे थे, जॉइंट कैविटी की बात कर रहे थे, हाँ जॉइंट कैविटी क्या होता है, देखिए जॉइंट कैविटी क्या मुराद है कि दो हड्डियों के दरमियान गैप मौजूद हो उसको कहते हैं जॉइंट कैविटी, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन की देखते हैं तो आपके पास 3 किस्म के जॉइंट्स हैं, फिर आगे फर्दर डिवीजन है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, ये 3 किस्म हैं जॉइंट्स की आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। देन साइनोवियल जॉइंट्स की आगे 2 टाइप्स आती हैं, एक हैंड जॉइंट और दूसरा है बॉल एंड साइकिल जॉइंट, ठीक है, और सबसे ज्यादा आसान जो है वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ये भी बात क्लियर है। अच्छा 3 कार्टिलेज के नाम आपने कार्टिलेज वाले लेक्चर के अंदर पढ़े थे, एक था एलन, ये ए है, ठीक है, एलन, दूसरा था फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस और तीसरा कौन सा था, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। वहां पे एक दूसरी काम वाली बात बता दूं, जब आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स बनती है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बोन्स का जो प्रीकर्सल, जिसे आप कह सकते हैं कि प्रीकर्सल स्टेज जो है वो कार्टिलेज होती है, इनमें से जो हेलन कार्टिलेज जो है ये वाला कार्टिलेज जो कि सब कार्टिलेज में से डीप तरीन है, ठीक है, 3 कार्टिलेज के टाइप हैं,
या हमारे चैप्टर का मतलब क्या, ये काफी का है तो नहीं, लेकिन वैसे आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि तीन टाइप्स हैं कार्टिलेज की, हेल एंड फाइब्रस होती थी शायद लफ्ट के, ये तरह कुछ नाम है मेरे नहीं अभी। तो ये क्या है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वीक तरीन जो है वो होती है हेल एंड, और सबसे ज्यादा पावरफुल जो होती है फाइब्रस, ठीक, कार्टिलेज। जब आप होते हैं फीटल स्टेज के अंदर, जब आप जो है आप डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होते हैं जो मदर वॉम्ब प्रेगनेंसी पीरियड में, तो आपकी हड्डियां जब बनती हैं तो सबसे पहले हाइलैंड कार्टिलेज बनता है, फिर उसके बाद जाके बॉन बनती है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हाइलैंड जो कार्टिलेज है वो क्या है, आपकी बोन की प्रिकसर स्टेज है, फिर आखिर में ऑसिफिकेशन होती है हाइलैंड के अंदर। ऑसिफिकेशन क्या है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अचानक से शुरू हो जाएंगे, इसमें ऑस्टियोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी बोन के अंदर कैल्शियम वगैरह की डिपॉजिटिंग शुरू हो जाएगी हाइलैंड कार्टिलेज के अंदर, और हाइलैंड कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाएगा बोन के अंदर, और एक दूसरी चीज यहाँ पे आ जाएगी ब्लड वेसल्स की पेनिट्रेशन भी आ जाएगी, देन वो जो कार्टिलेज था अब क्या बन जाएगा, बोन बन जाएगा। तो हाइलैंड कार्टिलेज जो है वो आपकी बोन का प्रीकर्सर स्टेज कह सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करो, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम पढ़ते हैं फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट, अब आपने जहन में बिल्कुल वही चीज रखनी है जो मैंने कहा था कि मिट्टी के बर्तन वगैरह टूट जाए तो वापस में इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट बिल्कुल इस तरह मौजूद होंगे, किसी किस्म की कोई जॉइंट कैविटी मौजूद नहीं है, कोई गैप मौजूद नहीं है, और ना ही इनके दरमियान कोई मोबिलिटी मौजूद है, यानी कि इस तरह से कोई मूवमेंट वगैरह के अंदर नहीं है, जस्ट जॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है कि अच्छा यहाँ पे देखें, आपको सेकेंड ईयर जो मेल स्टूडेंट हैं उनको शायद मैंने बताया था, अगर आप आपके हाथ की ये वाली जो उंगली जो है पता नहीं इसको कौन सी उंगली कहते हैं, इसको पकड़ें इसके साथ और हाथ को आगे की तरफ बेंड करेंगे, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो जो टेंडन बाहर की तरफ नजर आ रहा हो, ठीक है, इट मीन्स के आपके अंदर वो वाले टिश्यू अभी तक भी मौजूद हैं जो कि आपके एंसेस्टर यूज करते थे जब वो दरख्तों के ऊपर सोते थे और वो उसको जो है वो पकड़ लेते थे, और यहाँ से टिश्यू बाहर की तरफ निकलता है इसको, और वो पकड़ लेते थे उसको, वो जो शाख वगैरह होती थी उसको पकड़ के सो जाते थे, यानी कि जब वो गिरे उनको जो है वो पता चल जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि ये उनके पकड़ने के लिए थी जब वो डॉक्टर के पास होते थे बाकी शिकारियों से बच कर, तो जिन लोगों को ये नजर आ रही होती है यहाँ पे जो छोटा सा एक टंडल की बाहर उभरता हुआ नजर आएगा, कुछ के अंदर मौजूद होगा कुछ के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो ये भी एक अभी इसका कोई इतना फंक्शन नहीं है आपकी पार्टी के अंदर, लेकिन जब आपके एंसेस्टर होते हैं तब इसका फंक्शन मौजूद है आपकी पार्टी के अंदर, काफी ऐसी सारी चीजें मौजूद है जिनका अभी कोई फंक्शन नहीं है। मैंने ऑक्सीजन बॉन्ड को बताया, ठीक है, अपेंडिसाइट्स जो है अभी थोड़ा आपको पता चला कि इसके अंदर चलेंगी थोड़ी सी इम्यून सेल्स बनते हैं, लेकिन इतना फंक्शन कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है आपकी दाढ़ी का फंक्शन फिलहाल कोई नहीं है, ठीक है, कैंडी का स्वेटर कह सकते हैं, लेकिन आपकी दाढ़ी का फंक्शन कोई नहीं होता, जैसे अगर आप कहेंगे आपको सब्जी से बचाती है तो औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं निकलती, तो ये है कि इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनडिफाइंड हैं, उनका जो है आपकी बॉडी के अंदर वैसे कोई इतना रोल वगैरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो जॉइंट की बात करते हैं, फाइब्रस जॉइंट वो होते हैं जो कि इस तरह से अटैच होते हैं, नो जॉइंट कैविटी, कोई जॉइंट कैविटी मौजूद नहीं होती, और साथ में क्या है कि इमूवेबल होते हैं, यानी कि जॉइंट मूव भी नहीं करते, और थिन लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मौजूद होगा, और हो सकता है कि हाइलैंड कार्टिलेज भी मौजूद हो, हो सकता है कि हाइलैंड कार्टिलेज वो भी मौजूद हो, और मकसद क्या है कि हड्डियों को पोजीशन के अंदर जोड़ के रखें, देखिए अपनी हड्डियों को पोजीशन के अंदर जोड़ के रखें, अगर आपको जॉइंट के अंदर रखना है तो आपकी स्कल की जो हड्डियां हैं जैसे आपकी स्कल जो है वो पीसेस में जुड़ी हुई है, ठीक है, पीसेस में जुड़ी हुई है, और इनको जो है अपनी पोजीशन के ऊपर रखना, यानी कि ये स्लिप वगैरह ना हो जाए, ठीक है। आपकी जो जो हमने कॉक्सल बॉन्ड पढ़ी थी उसके अंदर तीन आपको जो है एलियन स्किन और तिब्बत जो बॉन्ड पढ़ी पेल्विक गर्डल के अंदर, तो वो भी जो है वो फाइब्रस जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट का अगर आप स्कल के अंदर देखें तो स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू डेलिकेट स्ट्रक्चर, डेलिकेट स्ट्रक्चर आप ब्रेन को ले सकते हैं कि इनकी प्रोटेक्शन वगैरह करना, ठीक है, प्रोटेक्शन वगैरह जो है आपकी दिमाग की उसको स्ट्रेंथ करना, उसको मजबूती देनी है, और वो होती है फाइब्रस जॉइंट की वजह से। अगर आप खुद सोचें कि आपके सर के अंदर
बाल एंड सेकंड ज्वाइंट होते तो आपकी सारी हड्डियां इस तरह से मूव कर रही होती, ठीक है, यानी कि आप सर के ऊपर अगर बर्तन रखते तो बर्तन की तरह आपका सर हो जाता, तो आपका दिमाग जो है बीच में पिटक जाता। तो इसीलिए क्या है कि आपके सर के अंदर जो है वो फाइबर ज्वाइंट मौजूद हैं, काफी ज्यादा पावरफुल मौजूद है, यानी कि देखें हड्डियों के अंदर ज्वाइंट मौजूद हैं लेकिन वो टूटती नहीं, तो इतना ज्यादा मजबूत ज्वाइंट होता है। मैंने तो आपको पहले बताया था कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उनके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस आइलैंड जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कार्टिलेजनस टिश्यू की, ये दरमियानी स्केच समझ लें फाइब्रस ज्वाइंट की और साइनोवियल ज्वाइंट की, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी जो है वो लिमिटेड फ्लेक्सीबिलिटी मिलती है, ठीक है। इनमें भी ज्वाइंट कैविटी मौजूद नहीं होती। ज्वाइंट कैविटी क्या होती है डाउनलोड मैंने चोरी की थी लेकिन मैं उनको यहाँ पे नहीं लगा सका, बिगेस्ट मिस्टेक आप कह सकते हैं। अच्छा तो कार्टिलेजन जो उसकी बात ज्वाइंट की बात कर रहे थे, कोई ज्वाइंट कैविटी मौजूद नहीं है, यानी कि इस तरह से नहीं है ज्वाइंट के दौरान इतना सा गैप मौजूद होगा, ठीक है। और साथ में क्या है आईब्रो कार्टिलेज या हेलन कार्टिलेज यहाँ पे मौजूद होगा, ऊपर वाला था यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। कार्टिलेजनस ज्वाइंट जो है वहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज और हायलन कार्टिलेज मिलेगा, जबकि फाइब्रस ज्वाइंट के अंदर आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, जिससे आपकी कार्टिलेज, आपकी बोन, आपका ब्लड वेसल, आपके एडिपोज टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू उसकी गायब आ जाती हैं, तो वो उसके अंदर भी एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ जाती है और वो लेयर जो है दरमियान में मौजूद होती है ज्वाइंट के अंदर, ठीक है, जो कि इनको मजबूती से पकड़ जाती है। फाइब्रो टाइप जो है होते हैं टिश्यूज होते हैं जो कि हड्डियों को आपस में मजबूती से जोड़ कर रखते हैं, ठीक है। चलें ठीक है कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा था, कोलेजन फाइबर इसके अंदर मौजूद होंगे और ये टेंडन लिगामेंट वगैरह के अंदर ये मौजूद होता है, वो ज़्यादा मजबूती देता है, ठीक है। अच्छा तो कार्टिलेजनस ज्वाइंट की बात कर रहे थे, इसको जेन के अंदर आपने ये जो उंगलियों की ज्वाइंट है ना ये वाले इनको जेन के अंदर रखा, यानी कि देखें कितनी लिमिटेड मूवमेंट है इसके अंदर, बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होती है, तीनों की मूवमेंट मिलकर आपकी उंगली को बेंड करती है लेकिन एक ज्वाइंट की मूवमेंट बस छोटी छोटी है, ठीक है। इसी तरह आपके जो देखें एंकल जो आपके पाँव है वो बहुत लिमिटेड जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड जो है आपकी वर्टी भी जो है देखें आपकी जो वर्टिकल कॉलम है वो कितनी लिमिटेड जो है वो मूवमेंट कर सकती है, यानी कि सिर्फ एक तरीके से, ठीक है। कुछ जो है वो पीछे की तरफ जा सकते हैं लेकिन यहाँ के बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। अच्छा तो लिमिटेड एक्सटेंशन ऑफ ग्लाइडिंग के आपकी जो उनकी उंगलियाँ जो ज्वाइंट हैं वो जो ग्लाइड कर रहे हैं वो लिमिटेड हो गए, ज़्यादा मूवमेंट जो है वो नहीं मिलेगी, फ्रीली मूवमेंट जैसे कहते हैं, ठीक है, मूवमेंट जो है वो नहीं होगी, सब थोड़ी सी मूवमेंट होगी। नेक्स्ट लास्ट टाइप आती है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर क्या है कि आपको साइनोवियल कैविटी मिलती है, यानी कि एक ज्वाइंट जो है आपको इस तरह से मिलेगी, दूसरी इसकी बोन जो है आपको इस तरह से मिलेगी, ठीक है। ये एक बोन आ गई, आप मैं कलर को चेंज करता हूँ और ये उसके ऊपर जो है इस तरह से कार्टिलेज भी मौजूद होगा, ठीक है, कार्टिलेज भी मौजूद होगा और अब दरमियान में आ जाएगी ग्रीन कलर की बात कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से मौजूद होगी साइनोवियल कैविटी, ठीक है। ये भी जितना भी एरिया है यहाँ पे क्या मौजूद होगी साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, फ्लूइड मौजूद होगा, यानी कि ये जो मूवमेंट हो रही है इसको रगड़ के बताना, ठीक है। और ये भी जगह जो है ये उसको क्या कहते हैं साइनोवियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। जगह ग्रीन कलर की नजर आ रही है, बोन्स जो है आपकी इधर खत्म हो गई, ठीक है, देखिए आप दरमियान में कितना गैप मौजूद है, ठीक है, ये जो है आपकी बोन आ गई। तो इस तरह से आपकी बोन जो है मौजूद होती है साइनोवियल कैविटी जो है बीच में कैविटी जो है वो मौजूद होती है, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देती है कि आप फ्री जो है वो मूव करवा सकते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। और साथ में क्या है कि लिगामेंट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, हड्डियों के साथ आपको क्या मिलेंगे लिगामेंट्स मिलेंगे। अब देखें वो क्यों मिलेंगे, पहली बात ये है कि जब आपकी बोन के इर्द गिर्द जो है इतना ज्यादा गैप मौजूद है तब क्या होगा कि आपकी हड्डियां जो है तो वो किसी तरह भी जा सकती है, तो
उनको उनकी मूवमेंट को थोड़ा सा लिमिट में रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें आपके जो आपकी निकोनी का ज्वाइंट है ये पूरा का पूरा जो है तकरीबन 90 डिग्री तक मूवमेंट करता है, 90 डिग्री से ऊपर तक करता है बल्कि तकरीबन कितना कर 100 डिग्री कर जाए. तो ये है कि लेकिन जब बैक साइड भी जाएगा तो तब ये मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि बीच में क्या है लिगामेंट मौजूद है और चाहे कि वो उसको लिमिट करे अपने जिन्हें की बस इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो हड्डियों को अपनी जगह के ऊपर भी रखना बॉल बॉल में पोजिशन यानी कि देखिए ये वाली ज्वाइंट जो है ठीक है अगर ये एक जगह जाके रुक जाते हैं तो वो जो आपके लिगामेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं ये इसको टाइट से यानी कहते क्या है कि मूवमेंट तो देंगे लेकिन अपनी जगह के अंदर ही रखेंगे वहीं पे मूवमेंट होगी उससे ज़्यादा मूवमेंट जो है वो नहीं है. ठीक है, अच्छा तो प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से प्लेन के ऊपर जो कौन सा ज्वाइंट मौजूद है तो उसकी बिना के ऊपर जो है वो डिवीजन होती है. तो इसी तरह आपकी फाइनोवियल ज्वाइंट की टू टाइप्स आती हैं, एक है हिंज ज्वाइंट और दूसरा है बॉल एंड पैकिंग ज्वाइंट. ठीक है, एक है हिंज ज्वाइंट और दूसरा है बॉल एंड पैकिंग ज्वाइंट, इनको भी पढ़ते हैं. ठीक है, हिंज ज्वाइंट जो है स्कूल पढ़ने से पहले आप जो है दरवाजे का जो कब्जा होता है उसको ध्यान में रखना है तो वो जब इस तरह से मूवमेंट करेगा. ठीक है, वो जब इस तरह से मूवमेंट करेगा तो वन प्लेन मूवमेंट है यानी कि ये हड्डी है और ये मूव करके यहाँ तक आएगी जस्ट टू डायमेंशन में इस तरह से. ठीक है, अच्छा एक डायमेंशन बन रही है सॉरी. अच्छा तो ये है कि क्या है कि वन प्लेन मूवमेंट होगी साथ में क्या है कि एक्सटेंशन या फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन या फ्लेक्सेशन यानी कि या तो वो लंबाई में यानी कि उसका मसल जो है वो एक्सटेंड होगा या रिलैक्स होगा कितने सी मूवमेंट जो है वो दे सकता है. और इनका सबसे बड़ा काम क्या है कि हैवी लोड उठाना क्योंकि जो वजन वगैरह उठाते हैं अगर अपने बाजू से उठाते हैं यानी कि देखें जो जिमर लोग होते हैं वो अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि वो जो है हैवी लोड उठाता है और वहाँ पर कौन से जॉइंट मौजूद हैं, हैंड जॉइंट जो है वो मौजूद होते हैं, एल्बो और नी जॉइंट है ये जो ये वाला आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है. ठीक है, ये जो जॉइंट हैं ये हैंड जॉइंट होते हैं यानी कि वन प्लान जो है इतनी ये जो है वन प्लान तक लिमिटेड होते हैं. नेक्स्ट जो है आप बात करते हैं आप 360 वाली बात आ गई बॉल एंड पैकिंग ज्वाइंट. ये क्या है कि अगर आप एक कप लें प्याला जो होता है फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ आ गई इसके अंदर आप दूसरी हड्डी जो है वो गोची बना के यहाँ पे रख दें अब ये इस तरह से मुकम्मल जो है वो मूवमेंट करें लेकिन 360 यानी कि 360 तो नहीं लेकिन इतनी बनेगी वो सारी की सारी मूवमेंट जो कर लें जिस वजह से आपकी ये जो शोल्डर का ज्वाइंट है और आपका हिप ज्वाइंट जो है लेकिन देखिए कुछ लोग स्ट्रेचिंग करके अपनी पूरी की पूरी टांगों को खोल लेते हैं और दूसरा वो जो किक लगाते हैं कंट्रोल अगर हम देखें तो उनकी पूरी की पूरी किक जो है वो राउंड होती है. ठीक है, इसी तरह आपके जो शोल्डर जॉइंट है वो पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे हर साइड भी जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या है फ्रीली मूवेबल होते हैं किस वजह से वो जो कप लाइक मटीरियल मौजूद है और हड्डी इस तरह अंदर गई होती है और कप के अंदर इस तरह से मूवमेंट भी करती है यानी कि इस तरह से मूवमेंट भी होगी आगे और पीछे की तरह मूवमेंट होगी और इस तरह से मूवमेंट दिया उनको मिलेगी यानी कि ये जो है बाल अबाउट 360 की मूवमेंट करती है. बाल एंड सेकेंड ज्वाइंट शोल्डर और हिप ज्वाइंट जो मौजूद होते हैं वो बाल एंड सेकेंड ज्वाइंट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट रहते हैं और इस समय हम कोशिश करेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ किडनीज को जो है हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ लें कि डिसऑर्डर ऑफ किडनी क्या होते हैं. तो इसके अंदर डिस्क स्लिप आ जाता है, स्पॉन्डाइलिसिस आ जाता है, सियाटिका आ जाता है, सियाटिका और आर्थराइटिस ये कॉमन सी डिजीज डिसऑर्डर हैं. मैंने किडनी को लिखा हुआ ऊपर ये बोन्स है. ठीक है, ये बोन्स है. अच्छा डिसऑर्डर ऑफ बोन्स, बोन्स के अंदर डिस्क टाइप आ जाएगा, स्पॉन्डाइलिसिस आ जाएगा, सियाटिका और आर्थराइटिस. जल्दी जल्दी इनको देखते हैं क्लियर करते हैं. डिस्क स्लिप में क्या है यहाँ पे एक लफ्ज बता दो हर्निया. हर्निया नाम तो आपने सुने होंगे, आपने सुना होगा फलाने का जो है हर्नियों का ऑपरेशन हुआ. तो हर्नियों नहीं होता, जस्ट हर्निया एक लफ्ज है, इंग्लिश का लफ्ज है. हर्निया कहते हैं कि जब आपकी बॉडी का कोई टिश्यू या ऑर्गन अपनी पोजीशन से फट के बाहर आ जाए. ठीक है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा करें कि एक गुब्बारा हो उसमें पानी पड़ा हो तो आप उसको उसमें सुराख कर दे तो पानी बाहर आ जाता है. इट मीन्स गुब्बारे का जो है वो हर्निया हो चुका है. तो हर्निया कहते हैं कि किसी भी बॉडी टिश्यू या ऑर्गन का
कितनी पोजीशन से जो कितनी सिचुएशन होती है कि इंजरी की वजह से वहां से फट के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखें अपने वर्टिकल कॉलम को, तो ये आपकी वर्टिकल कॉलम है इस तरह, ठीक है, जो वर्टिकल है वो सर से मौजूद है और इनके दरमियान कार्टिलेज मौजूद है। यहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलेगा, ठीक है, वर्टिकल कॉलम में। सर आपने कहा ना कि हर चीज में एवोल्यूशन होती है अगर हमें चाहिए हो वो चीज, तो देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो एक ऐसे एनवायरमेंट में है कि ऑलरेडी वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे कुछ काम की वजह से ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिल्कुल तकरीबन खत्म हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एवोल्यूशन हो और वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस यूज करना शुरू कर दे? हो सकता है, एवोल्यूशन के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन जब आप ऑक्सीजन के बिना किसी दूसरी गैस के ऊपर रहना शुरू कर देंगे, दैट यू आर नॉट मोर एनी, आप सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज नहीं रहेंगे, आप कोई नेक्स्ट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हर स्पीशी की अपनी अपनी करैक्टर होती है और वो करैक्टर के अंदर रहेगा, सही है, पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन चेंज होगी तो आपके सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, जब इतनी ज्यादा चेंज आ जाएगी और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो अगर हो भी जाती है, लेट्स गो, अब उसमें मेरे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हो भी जाती है तब भी क्या है कि आप जो है ह्यूमन नहीं रहेंगे, कोई और स्पीशीज बन जाएंगे, ठीक है, आपके सारे सारे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जो है एक्सेप्शन केस है कि आपकी एनवायरमेंट से ऑक्सीजन खत्म हो जाए। नहीं मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना, होता तो नहीं इस तरह, लेकिन हो तो सकता है क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो आई थिंक आने वाले कुछ 50-60 सालों में तो खत्म हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है कि 2050 के बाद आप अपनी नस्ल को देख ही ना सकें, क्योंकि आप जो है सारे के सारे जानवरों को खत्म कर रहे हैं खासतौर पर, तो समंदर के अंदर आपको जो है वो मिलते हैं, जो एनिमल्स मिलते हैं वो आपको ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं, इसी तरह प्लांट्स बना के दे रहे हैं, तो क्या है कि ये जो कोरल रीफ होते हैं आपको क्या है कि कितना 80% ऑक्सीजन आपको कोरल रीफ से देती है। अच्छा सवाल में क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कैसे खत्म हो सकती है, मतलब हुई नहीं है, हो सकती है, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो जमीन के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है वो है जी कोरल रीफ की वजह से और दूसरा है प्लांट्स की वजह से, और इन दोनों को हम अल्लाह के करम से जो है हम इनको दोनों को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, और पॉसिबल है कि आप जो है अपनी आने वाली नस्ल को जो है वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बंडर्ड है, लेकिन कंपेरिजन देखना कि पहले थे और आप कितने हैं, कंपैरिजन देखें, कंपैरिटिव स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि कोरल रीफ जो है वो आपके ऑक्सीजन का बड़ा सोर्स है, और आप समुद्रों के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट फेंक रहे होते हैं वो सारी कार्य उनके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है। अभी आप शुक्र करें काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा कम नहीं हो गई कि आप सारी सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस स्पीड के साथ हम जा रहे हैं वो पॉसिबल है कि आगे जाए थोड़ी कुछ टाइम में जो है कुछ ही सालों की बात है कि आपके ऑक्सीजन के मसला शुरू हो, मतलब प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें तो आपके यहाँ आप वाटर की तो हो रही है ना, अब दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा पानी मौजूद है लेकिन आपकी कंट्री के अंदर मौजूद नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट ईयर हो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, यानी कि जब तक अकल को यूज करें कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, आ सकती है एवोल्यूशन। आपका क्वेश्चन ये है कि आर्गन वगैरह में एवोल्यूशन होती है तो केमिकल रिएक्शन में एवोल्यूशन क्यों नहीं हो सकती? देखें एवोल्यूशन केमिकल रिएक्शन की वजह से आती है,